झारखंड लोक सेवा आयोग के 7वीं से 10वीं सिविल प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम में स्टेट में 5वां रैंक हासिल करने वाले आशीष कुमार गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा गुमला में पूरी हुई है। मैट्रिक की पढ़ाई गुमला में करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए आशीष रांची गए। वे शहर के मुरली बगीचा स्थित अपने नाना अजीत कुमार गुप्ता के घर पर पले बढ़े। आशीष ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर, मैट्रिक डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला, इंटर डीएवी पब्लिक स्कूल कपिलदेव रांची से की। रामगढ़ जिले के राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से 2021 में अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर झारखंड लोक सेवा की तैयारी महज 2 महीने रांची के आईएएस स्टडी सेंटर से किया। उन्होंने अपनी सफलता में गुमला के शिक्षक विवेक अधिकारी का योगदान बहुमूल्य बताया है। आशीष ने कहा कि उसके पिता का नाम मंटू साहू व माँ संगीता देवी है। वह लातेहार जिले के हुटाप पंचायत के मूल निवासी है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण पढ़ाई करना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से उसके माता पिता उसे बेहतर शिक्षा के लिए गुमला भेज दिए। मेरा घर जो हुटाप पंचायत में चलता है, एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर रहकर मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला से शिक्षा ग्रहण की, जिसमें मुझे मेरे मामा और नाना नानी का सबका सहयोग प्राप्त हुआ। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, घर में सबको एक खुशी का ही माहौल है, क्योंकि बहुत अच्छे रैंक से हुआ जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए खुशी बहुत ज़्यादा है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई 6 घंटा लगभग मैं दिन में करता था, रूटीन बना हुआ था 6 घंटा मिनिमम करना ही था। इससे लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? यही कि कोई भी जगह इंसान अगर पैदा होता है जहाँ पर उसे स्थिति अगर उसकी ठीक नहीं या फिर शिक्षा का उसे अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भी अपने उम्मीदों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे उसका भविष्य सुनिश्चित नहीं रहेगा। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार साहब। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।